हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। और मेरा कुनाफा वाला वीडियो आपने इतना लाइक करे उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं एक नई जगह जाने वाली हूँ। आप सब जानते हैं ये वर्ल्ड फेमस हो चुका है कि दुबई में एक्सपो आने वाला है। तो दुबई में एक्सपो आ गया। 30 सितंबर को उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और आज उसका फर्स्ट डे है। तो आज मैं बाहर से ओवरव्यू लेने जा रही हूँ। मैंने टिकट तो ली हूँ, टिकट्स इतनी कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। इट्स 95 दिरहम फॉर वन डे एंड इट्स 495 फॉर मतलब पूरा 6 मंथ्स के लिए है एक्सपो। तो फुल 6 मंथ्स के लिए इट्स 495, सो इट्स नॉट सो मच एक्सपेंसिव। बट आज मुझे देखने जाना है कि बाहर का माहौल कैसा है एक्सपो के। तो मैं आज इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि क्या है कैसा है एक्सपो का मीनिंग। पहले मैं आप लोग सबको बता देती हूँ, एक्सपो मतलब एग्जीबिशन है, एक वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन हर साल होता है कोई ना कोई कंट्री में। ये साल यूएई में होने वाला है, पिछले साल होने वाला था 2020 में, बट हमारे महान कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था। तो अब हो रहा है, 31 मार्च तक रहने वाला है। इट्स काइंड ऑफ एग्जीबिशन ही है। इसमें 190 कंट्रीज आने वाली है अपना कल्चर दिखाने के लिए। तो इस बार का एक्सपो जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी। तीनों साइड जाके देखना है कौन सा वाला बेटर है, कौन सा साइड। सब तीनों में अच्छी सी पार्किंग है, सब है, लोगों के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है, बच्चों के लिए पार्क है और सब कंट्रीज अपना अपना कल्चर्स वहाँ पे डिस्प्ले करेंगी कि उनका वहाँ क्या फेमस है, क्या जो भी है वो तो मेन वहीं जाके पता चलेगा। तो मैं अपनी दुआएं पढ़ के अल्लाह का नाम लेके घर से निकलती हूँ इंशाल्लाह। हमारे घर से ये ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स दूर है। ठीक है, चले तो वहाँ मिलते हैं अब। एक्सपो जाने के लिए निकले थे पर अब हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर दुबई में खाना खाने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स। इसके लिए हम लोग आए हैं बर दुबई। बर दुबई जो है कितना इंडियन टाइप का थोड़ा एरिया है, इंडियन पाकिस्तानी मार्केट्स टाइप का जो एरिया है। यहाँ पर मैं आपको शॉप्स दिखा देती हूँ, देखिए देख सकते हैं आपको थोड़ा इंडियन फील आता है, दुबई फील नहीं आता है। देख सकते हैं आप यहाँ की बिल्डिंग्स भी, मतलब बड़े बड़े टावर्स नहीं है, नॉर्मल 3-4 स्टोरेड बिल्डिंग है। इधर साड़ी की शॉप्स और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं आप लोग चलती नहीं है, रेंगती है, बहुत स्लो। देख सकते हैं आप यहाँ पे ड्रेसेस, मुझे तो बड़ा पसंद है ये एरिया। में सच क्योंकि मैं स्नैक्स कुछ खाऊंगी, सैंडविच खाने का सोची मैंने, चिकन सैंडविच। मुझे एक ही शॉप है यहाँ पे, वहीं का सैंडविच अच्छा लगता है और वहीं की आइसक्रीम भी मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ऑर्डर करने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद। पता नहीं हम कौन से जन्म में वहाँ पहुँचेंगे, मैप पे तो 2 मिनट्स ही बता रहे हैं। बट यहाँ का जो हाल है, यहाँ की गलियों का, दोनों साइड पार्किंग, बीच में इतनी सी जगह जिसमें से गाड़ियाँ पास होती हैं, वो भी धीरे धीरे, ऐसा लगता ही नहीं कि गाड़ी चल रही है, लोग गाड़ी से फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे यही बेटर है कि पार्क करो और चल के पहुँच जाओ। तो अभी लस्सी शॉप देख सकते हैं, वहीं मुझे खाना है। और मैं अभी हम यहाँ पे पार्किंग ढूँढ रहे हैं जो किसी इम्पॉसिबल चीज़ से कम नहीं है। आप देख सकते हैं पार्किंग खाली रही है, जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब भूख लग रही है।
पार्किंग ढूंढ रहे हैं। वैसे तो ये डेली पेड पार्किंग है, लेकिन आज फ्राइडे है तो ये पार्किंग भी आज फ्री है। ये जो एरिया है ना, ये अपने यहाँ पे इंडियन क्विजिन बेस्ट मिलता है मुझे तो, मतलब बहुत पसंद है यहाँ का स्ट्रीट फूड एंड ऑल। जो अपने इंडिया में मिलता है पानी पूरी, ये वो सब यहाँ पे बड़ा मज़ेदार मिलता है। ढाबा वाबा भी है यहाँ पे तो। ये है हमारा वो एरिया, देख सकते हैं यहाँ की बिल्डिंग्स कैसी हैं। पार्किंग ढूंढते ढूंढते थक गए, हम पार्किंग एरिया से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि हमें पार्किंग मिली नहीं। ये भी हम लोग ने सैंडविच का ऑर्डर दिया था, बट वो लोग ने हमें ये थमा दिया है, परोठा। बोले यही है सैंडविच। हमने कहा कि हम लोग को क्लब सैंडविच चाहिए, तो उन्हें समझ में, अच्छा ब्रेड वाला। अब मैं फिलहाल तो परोठा खाऊंगी, क्लब भी बना के देंगे वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ओके ओके, तो अभी मैं ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पी रही हूँ यहीं लस्सी शॉप का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि इसमें लोग ने अंजीर तक डाले। मैंने दो तीन जगह का ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पी, लोग अंजीर को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने अंजीर, काजू, पिस्ता, सब सारे ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड किए, इवन एप्रिकॉट सेकंड पीस इसमें है। माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही टेस्टी ड्राई फ्रूट मिल्क शेक है ये। बर्दुबई में अगर आप हैं या बर्दुबई अगर आप आते हैं, तो लस्सी शॉप का ड्राई फ्रूट मिल्क शेक तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। ओके फाइनली, तब हम एक्सपो जा रहे हैं, शाम होने वाली है, अब हम एक्सपो जाने के लिए फाइनली निकल गए। हम लोग अपॉर्चुनिटी पवेलियन में जा रहे हैं और यहाँ से 40 मिनट्स दूर बता रहे हैं, इंशाल्लाह 40 मिनट्स में पहुँच जाएंगे हम लोग। मैंने यहाँ से ली डेथ बाय चॉकलेट आइसक्रीम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आइसक्रीम देख सकते हैं आप, इसमें ड्राई फ्रूट्स, चोको चिप्स, वेनिला एंड चॉकलेट आइसक्रीम प्लस ब्राउनी, सब कुछ है इसमें। स्पेशली ड्राई फ्रूट्स की क्वान्टिटी और चोको चिप्स की क्वान्टिटी भी देखिए, बहुत ही ज़्यादा यम है ये ना। कुछ ये लोग 7 dirham में ही दे रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है ये, पॉकेट फ्रेंडली प्लस यम्मी है। तो ये तो आप ट्राई करना ही चाहिए आपको यहाँ पे। लस्सी शॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की, जो बर्दुबई की, वहाँ पे बहुत अच्छे सैंडविच, परोठा, आइसक्रीम, स्पेशली आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। पहुंच गए हैं एक्सपो, अभी हम लोग पार्किंग में हैं अपॉर्चुनिटी पवेलियन की। फुल पार्किंग है एक्सपो की। और हम अभी जा रहे हैं एंट्री गेट के पास, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ओके, तो मैं आई थी यहाँ पे एक्सपो में, बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा, मैं सिर्फ इंक्वायरी करने आई थी कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे पता चला है कि PCR टेस्ट कंपलसरी है अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो, और अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और आपको यहाँ पे पार्किंग में उतर के आपको बस करनी है, मतलब बस आएगी उसमें बैठ के आपको जाना है एक्सपो तक, एक्सपो के एंट्री गेट तक। और अगर आपका PCR सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका गेट पे वापस वो लोग बस से छोड़ देंगे, और यहाँ पे ये लोग PCR टेस्ट भी करवा रहे हैं, विच इज़ इंक्लूडेड इन द टिकट, सो इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो बस यही पता चला है अभी तो हम लोग गए नहीं बस में बैठ के, गेट तक गए नहीं हम लोग, पार्किंग में ही थे बस स्टॉप के पास। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं आने वाली हूँ
अंदर जाने वाली हूँ एक्सपो के। इस बार हम लोग अपॉर्चुनिटी पवेलियन में आए थे, यहाँ की पार्किंग साइड हम लोग आए थे। यहाँ पे बस भी अपॉर्चुनिटी गेट पे लेके जा रही है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी पवेलियन पे जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट घूमने। मैं अब एक्सपो का व्लॉग तो यहीं ख़त्म होता है, अगर मार्केट गई तो वहाँ का व्लॉग भी बना दूँगी। बाय बाय।